नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक्निकल गुरुजी के इस फ्रेश लाइव स्ट्रीम में। ये मैं लाइव इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज तबीयत थोड़ी इतनी ठीक मुझे लग नहीं रही है, तो वीडियो शूट करना, एडिट करना, अपलोड करना शायद मुझे लगे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आज मैं आपसे इस लाइव वीडियो में बात करने वाला हूँ माइक्रोवेव ओवंस के बारे में। आप सभी ने इनको यूज़ किया होगा, आप सभी ने इनको कभी ना कभी देखा होगा, इनके बारे में सोचा होगा कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि हम उस फूड को गर्म कर रहे हैं, जो भी चीज़ हमने रखी है माइक्रोवेव ओवन के अंदर, और बड़े ही आराम से होता है, बहुत ही कम टाइम में होता है। तो आखिर वो क्या साइंस है माइक्रोवेव्स के पीछे जो उस खाने को इतने आसानी से गर्म कर देती हैं। और दूसरा बहुत बड़ा सवाल ये कि क्या माइक्रोवेव ओवन सेफ होते हैं या नहीं। तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, मैं आपसे इसी के बारे में बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि आखिर क्या कंप्लीट कंसेप्ट है माइक्रोवेव ओवन्स के पीछे। नमस्कार दोस्तों, एक बार वापस से, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो माइक्रोवेव्स हैं वो बेसिकली मैं कहूँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और ये आती हैं, अगर मैं आपसे बात करता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, तो रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड लाइट के बीच में। यहाँ पे दोस्तों जो हम कॉमन फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं माइक्रोवेव ओवंस में वो होती है 2.45 गीगाहर्ट्ज़ की। एक डिवाइस जिसका नाम होता है मैग्नेट्रॉन, वो इन वेव्स को प्रोड्यूस करता है दोस्तों। वहां पे हम काम में लेते हैं थोरियम का और बेसिकली टंगस्टन का, और वो उसको जब हम पावर सप्लाई देते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स की एक स्ट्रीम को बाहर निकालता है जो बेसिकली उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आगे बढ़ती हुई माइक्रोवेव ओवन के अंदर घुस जाती हैं। दोस्तों यहां पे वो जो ओवन है उसकी जो चारों तरफ की दीवारें हैं वो बेसिकली ऐसी हैं कि वो जो वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट हों और वो बेसिकली उस ओवन के अंदर ही रहें। नॉर्मली यहाँ पे होता क्या है कि जो भी आप अंदर सामान रखते हैं गर्म करने के लिए, जो खाना होता है, वहाँ पे जो फैट्स हैं, वहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वहाँ पे जो शुगर वगैरह है, वो दोस्तों उस माइक्रोवेव को अब्सॉर्ब करती हैं, और उसके बाद में जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं बहुत ही तेज़ी से, जिससे बेसिकली अब अगर किसी भी आइटम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों एनर्जी जो है वो एक तरीके से मैं कहूँगा कि वो अपने अंदर लेगा, जो माइक्रोवेव की एनर्जी है, जो वो हाई एनर्जी से माइक्रोवेव जो है वो अपना पैटर्न चेंज कर रही है, तो ऐसे में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं और उससे बाद में आपको हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है और जब आपका खाना है वो गर्म हो जाता है। दोस्तों यहां पे बहुत सारे डाउट्स ये भी हैं कि जो माइक्रोवेव्स हैं वो खाने को नुकसान पहुंचाती हैं, खाने में रेडिएशन घुसा देती हैं, आप अगर माइक्रोवेव ओवन के सामने हैं तो शायद आपको नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो माइक्रोवेव्स हैं वो बेसिकली नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होती है, सेम फ्रिक्वेंसी है जो आप अपने घर में वाईफाई में यूज़ करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो पावर है वो थोड़ी अलग है, थोड़ी ज़्यादा पावर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने माइक्रोवेव में गर्म किया हुआ एक सैंडविच खा लिया तो आपके अंदर रेडिएशन घुस जाएगी, या फिर अगर आप ओवन के सामने खड़े हैं तो आपको कुछ नुकसान होगा। ये दोस्तों कंप्लीटली सेफ है इस मामले में और आप इनको बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। आपको हर एक माइक्रोवेव ओवन में तरह तरह के प्रीसेट्स मिलते हैं कि आपने क्या गर्म करना है, कितनी देर तक करना है, तो यहाँ पर आपके इसमें अलग अलग टाइमर्स हैं, अलग अलग पावर लेवल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग जो खाना है वो अलग अलग टाइप से गर्म होता है। लेकिन सिर्फ बड़ा ही कमाल का है, और ये बेसिकली एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी जो कि की थी वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे, और बाद में उसको पेटेंट किया गया और फाइनली आज हम यूज कर रहे हैं माइक्रोवेव ओवन्स को बड़े ही आराम से, बड़ी ही आसानी से, बिना किसी प्रॉब्लम के। आपको नहीं तो कहीं पे आग लगानी है, नहीं आपको सोलर पावर को यूज करना है, आप सिंपल माइक्रोवेव्स की मदद से भी अपने खाने को गर्म कर पाते हैं, क्योंकि यहां पर दोस्तों जो वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं वो वाइब्रेट करते हैं अपने आप को अलाइन करने के लिए उस माइक्रोवेव के पैटर्न के हिसाब से, जिससे वो बहुत तेजी से वाइब्रेट करेंगे और बाद में आपका जो खाना है वो गर्म हो जाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको माइक्रोवेव ओवंस के बारे में वीडियो पसंद आया होगा। बड़े ही सिंपल यहां पे कंपोनेंट्स हैं, एक मैग्नेट्रॉन है, वेव गाइड है, और बाकी आपका कंप्लीट चेंबर है जहां पे आप अपना खाना रखेंगे, टर्न टेबल के ऊपर घूमेगा जिससे वो इवनली गर्म हो जाए। दोस्तों अगर आपको कोई सवाल सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी तो नहीं, क्योंकि ये तो लाइव वीडियो है, आज के लिए एक्सेप्शन है, वरना आपके लिए रोजाना इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।